के बाद आज भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। मेरठ में कल हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई, हालांकि अधिकारी अभी सिर्फ एक की ही पुष्टि कर पाए हैं। मेरठ के ताजा हालात पर देखिए हमारे संवाददाता सनु शर्मा की एक रिपोर्ट। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में शुक्रवार को मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना इलाके में जमकर बवाल हुआ और ये वही इस्लामाबाद चौकी है जिसको उपद्रवियों ने निशाना बनाया और यहां तोड़फोड़ करने के बाद इस चौकी को आग के हवाले कर दिया गया था। यहां जमकर उपद्रवियों ने बवाल किया था। मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरीके से यहां पर जो पुलिस चौकी है उसको निशाना बनाया गया। यहां पूरे शीशे तोड़ने के बाद आग लगा दी गई और उसके ठीक बराबर वाला जो ये कक्ष है यहां पर भी उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की और आग लगा दी। देखिए किस तरीके से जो यहां फिलहाल जो राख के जो ढेर है वो नजर आ रहे हैं, यानी उपद्रवी पूरी तरीके से प्लांट थे और किस समय किस वक्त कहां क्या करना है इसकी पूरी एक प्लानिंग यहां पर उनकी तरफ से की गई थी। खाली पुलिस चौकी ही नहीं बल्कि 2 बाइकों को भी निशाना बनाया गया और इन 2 बाइकों में आग लगा दी गई। ये वो फैंटम है जो पुलिस की फैंटम है, पहले इसमें आग लगाई गई और उसके बाद जो दूसरी बाइक बराबर में खड़ी थी उसको आग के हवाले कर दिया गया। सबसे ज्यादा अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ में जो लिसाड़ी गेट थाना इलाका है सिर्फ वही एक ऐसा इलाका था कि जहां पर उपद्रवियों ने जमकर बवाल किया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में किंतु तनावपूर्ण बनी हुई नजर आ रही है और यहां इस वक्त हम इस्लामाबाद पुलिस चौकी के बाहर ही खड़े हैं। इस तरीके से यहां पुलिस फोर्स लगाई गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और 1.5 सेक्शन जो PSC है वो फिलहाल यहां पर तैनात कर दी गई है। लिसाड़ी गेट के जो और इलाके हैं, रशीद नगर की बात करें, भूमियापुल इलाके की बात करें तो वहां भी इसी तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, हर हलचल पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। पूरी तरीके से इस इलाके को जो लिसाड़ी गेट थाना इलाका लगता है इसकी पूरी तरीके से घेराबंदी कर दी गई है, नाकेबंदी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि जैसे भी हो इस मेरठ के जो हालात हैं वो सामान्य कर लिए जाएं। फिलहाल 4 लोगों के मरने की बात सामने आ रही है, हालांकि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो फिलहाल 1 शख्स के मरने की पुष्टि कर रहे हैं। DM, SSP, ADG, कमिश्नर सारी रात सड़कों पर दौरा करते रहे हैं, हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बाहर से भी कई ऐसे अफसर हैं जिनको बुला लिया गया है, जो पूर्व में मेरठ में SSP या SP रहे हैं उनको भी यहां पर लगाया गया है। सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज, मेरठ। तो हर तरफ अगर देखा जाए पूरे भारत में तो हर तरफ सिर्फ आगजनी की ही तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन इंडिया न्यूज आपसे बार बार ये अपील कर रहा है कि प्रदर्शन करिए।